सब्सक्राइब कीजिए माय फैशन डायरी को, बेल आइकन को टच कीजिए ताकि अपलोड होने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे वन साइड ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ का ट्यूटोरियल और उसी के साथ अटैच दुपट्टा कैसे ज्वाइन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले ब्लाउज़ की कटिंग शुरू करते हैं और फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है जितना आपको इसकी विड्थ चाहिए, और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके जितनी आपकी लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड करके इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद में जितना आपका शोल्डर है उसमें 0.25 इंच या 1/2 इंच आप जो सीम अलाउंस लेते हैं वो यहाँ पर ऐड करना है, और उसके बाद में फ्रंट और बैक का आर्म होल ड्रॉ करना है। फ्रंट और बैक आर्म होल होने के बाद 2.75 इंच नेक की विथ और 3.5 इंच यहाँ पर नेक की लेंथ लेनी है, और फिर ये नेक का शेप देना है। उसके बाद 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे, और ये 1 डॉटेड ब्लाउज़ है तो उसके लिए कमर पर हम एक यहाँ पर डॉट देंगे। 3.5 इंच के गैप से यहाँ हम 1 इंच का डॉट लेने वाले हैं। यहाँ 1 इंच इसलिए क्योंकि ये 30 की साइज़ के अंदर है। अगर आपकी साइज़ इससे ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको डार्ट की साइज़ बढ़ानी है। अभी बाकी का प्रोसेस नॉर्मल जैसे ब्लाउज़ में होता है वैसे ही है। ऊपर शोल्डर से हम अपेक्स पॉइंट तक का जितना हमारा मेज़रमेंट होता है उसमें 1/2 इंच ऐड करेंगे, और ये इस तरह से डार्ट को मिलाना है इस पॉइंट से। ये हिस्सा अभी हम कट करेंगे पूरा ब्लाउज़ बैक का आर्म होल है उसी के अकॉर्डिंग, ताकि इसके साथ हम लोग फ्रंट और बैक के दोनों पोर्शन एक साथ कट कर सकें। ये कट होने के बाद फोल्डेड फैब्रिक पर इसी को प्लेस करना है जिससे हमारा फ्रंट और बैक दोनों का हिस्सा एक साथ निकल सके। तो ये इसी तरह से यहाँ पर आर्म होल तो बैक का है और जो नेक है वो बैक साइड में भी इसी तरह का रहेगा। तो ये हम लोग कट कर देते हैं, और यहाँ पर जो ये 1 इंच का डार्ट है बैक साइड में भी 1 इंच का ही डार्ट होता है, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। अगर आपके आपका फ्रंट का डार्ट ज़्यादा है तो आपको बैक साइड में इसकी साइज़ कम करनी होगी। इस तरह से ये बैक साइड का हिस्सा हो गया। अभी यहाँ से फ्रंट का आर्म होल कट कर देंगे, तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों भाग एक साथ हो जाएंगे कट। अभी यहाँ 4 इंच के गैप से एक डार्ट आता है बैक साइड में, तो उसका एक नोच देना है। अभी इसी की तरह अस्तर का ही सेम हमें मेन फैब्रिक भी कट करना है, और ये दोनों मेन फैब्रिक कट करने से पहले हमें 1 साइड में शोल्डर को कट करना है। तो यहाँ एक साइड में जो शोल्डर है वो 3 इंच पर हम ये आर्म होल पर मार्क देंगे, और जो ये नेक का हिस्सा है यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे। आप यहाँ पर कितना ज़्यादा लेना चाहते हैं ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर मैंने 3 इंच का लिया है। आपको ज़्यादा डीप चाहिए ये ऑफ शोल्डर का हिस्सा तो आप इसे और ज़्यादा डीप कर सकते हैं। फ्रंट और बैक दोनों साइड में सेम इसी तरह से ऑफ शोल्डर का ये कट देना है। उसके बाद मेन फैब्रिक इन दोनों की सेम कट करने हैं, और ये इस तरह मैं मेन फैब्रिक भी कट कर चुकी हूँ, ये फ्रंट का और ये बैक का हिस्सा। अभी हमें लेना है स्लीव्स की ड्राफ्टिंग। तो स्लीव्स के लिए हम क्या करते हैं, आर्म होल को चेक करते हैं और नॉर्मल तरीके से जो स्लीव्स ड्राफ्ट करते हैं वैसे ही इसकी कटिंग करनी है। स्लीव्स की यहाँ पर 3/4 स्लीव्स की लेंथ है, और उसी के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल तरीके से हम इसे कट करते हैं वैसे ही कट करेंगे दोनों स्लीव्स के हिस्से। यानी एक साइड में जो ऑफ शोल्डर का हिस्सा है उसकी भी हम लोग सबसे पहले ये नॉर्मल स्लीव्स की तरह इसकी कटिंग करेंगे। तो दोनों स्लीव्स कट करनी है। उसके बाद में जो हमारा ऑफ शोल्डर का हिस्सा है उसको हम लोग कट करेंगे कि उसकी स्लीव्स में क्या चेंजेस रहेंगे। तो ये नॉर्मल स्लीव एक, और इसी तरह से दूसरी भी
हमें ये कट करनी है। तो ये दोनों मैं कट कर चुकी हूँ। अभी देखिए एक साइड में तो ये पूरी स्लीव्स आएगी, तो एक स्लीव इसकी हो गई। और दूसरी जो स्लीव्स है स्लीव है उसको क्या चेंज करना है, यहाँ पर देखिए हमने ये हिस्सा इस तरह से कट किया था, तो आमहोल का कितना हिस्सा यहाँ से चला गया है उतना हमें चेक करना है। यहाँ पर कितना चला गया, हाफ इंच तो शोल्डर जॉइनिंग का जाता है जब हम स्लीव्स की मेज़रमेंट बनाते हैं, तब स्लीव्स बनाते हैं तब हम चेक करते हैं कि कितना चला जाएगा। तो यहाँ पर लगभग हम लोग 2.25 इंच, ये यहाँ से 2.25 इंच पर यहाँ से कट देंगे। जैसे कोल स्लीव्स होते हैं उसी की तरह से यहाँ पर कट देंगे और बाकी का हिस्सा चेक करेंगे कि हमारा ये आम होल पर आता है या नहीं। अगर आम होल से स्लीव थोड़ी सी ज़्यादा है तो हम इसे कट कर देंगे साइड में से। तो पहले ये कोल शोल्डर की तरह ही इस तरह से इसे कट किया, कोल स्लीव्स की तरह। और आप इसे अभी यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा या कम है, तो यहाँ पर उसके बाद में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो इसको इस तरह से ट्रिम कर सकते हैं स्लीव्स को। और अभी आप चेक कीजिए कि ये स्लीव्स इस आर्म होल पर बराबर आती है या नहीं। बराबर आ रही है, तो ये इस तरह से एक स्लीव्स इसकी हो जाएगी ऑफ शोल्डर की और एक फुल स्लीव रहेगी जहाँ पर आर्म होल पूरा है। अभी यहाँ पर हमें लेने हैं डार्ट और उसके बाद में शोल्डर ज्वाइन करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों हिस्सों की डार्ट स्टिच करने हैं और शोल्डर ज्वाइन करना है। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद देखिए हमारा ये हिस्सा रेडी है। अभी स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स के लिए जो हमारा ऑफ शोल्डर का हिस्सा है वहाँ पर वन साइड में, तो यहाँ पर ये स्लीव्स कैसे अटैच होगी, देखिए नॉर्मल तरीके से जितना जो हमारा शोल्डर का हिस्सा यहाँ पर कट है वो हम लोग छोड़ देंगे। ये फ्रंट का हिस्सा है हमारा और स्लीव का जो फ्रंट का हिस्सा है वो ये है, तो इस तरह से ये जॉइंट होगी। और बीच का जो हिस्सा खाली है खुला है वो छूट जाएगा। तो यहाँ से ये एक बैक पोर्शन यहाँ से अटैच हुआ और फिर फ्रंट का आर्म होल फ्रंट स्लीव से अटैच करना है। और जो खुला भाग है जो कट किया है हमने कोल स्लीव्स की तरह वो छूट जाएगा। और अभी यहाँ से ये हमें छोड़ देना है, ये साथ में जॉइंट नहीं करना है इसी तरह से। तो ये हमारी स्लीव्स अटैच हो जाएगी। यहाँ पर देखिए स्लीव्स हमारी हो गई है अटैच। अभी आप चेक कर सकते हैं कि ये बराबर है या नहीं। आप नॉर्मली एक बार ऐसे ही ऊपरी तौर से आप ट्रायल कर सकते हैं कि आपकी शोल्डर से ज़्यादा गिर रही है या फिर आर्म होल पर कोई लूजनेस आ रही है, तो आप ये ऐसे ही ऊपर से वेयर करके चेक कर सकते हैं। अगर लूजनेस आते हैं तो आपको यहाँ से इसको थोड़ा सा फिट कर देना है, यहाँ से बस थोड़ा सा ही, जैसे डार्ट का हिस्सा लेते हैं वैसे ही यहाँ पर ऐसे स्टिच लेना है। एक साइड में स्लीव तो पूरी आ गई और एक साइड का यहाँ पर थोड़ा सा हम इसे फिट कर देते हैं इस तरह से, जिससे ये हमारे आर्म होल और स्लीव्स का जो हिस्सा है वहाँ पर ये लूज लूज नहीं रहेगा, अच्छे से फिटिंग वाला रहेगा। पर ये ज़्यादा टाइट ना हो और ज़्यादा लूज ना हो, ये दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है और इनमें बाद में कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जा सकता, इसलिए अभी से ध्यान देना ज़रूरी रहेगा कि आपको एक बार पहन के देखना चाहिए। तो देखिए ये हो गया है हमारा स्लीव्स का दोनों भाग। स्लीव्स अटैच हो जाने के बाद देखिए एक साइड दोनों साइड में ये, अभी यहाँ पर नेक की फिनिशिंग कैसे करनी है और नेक में जो स्ट्रिप्स हैं वो कैसे अटैच होंगी। यहाँ पर बायस की पट्टी उरेब की जो पट्टी है उसको अटैच करेंगे और वो कैसे यहाँ जो नेक का हिस्सा है
वहाँ पर आपको चेक करना है कि आपको कितनी साइज़ की स्ट्रिप्स लेनी है और कितनी गैप से लेनी है। मैं यहाँ पर 3 लेयर लूँगी स्ट्रिप्स की, और 3 इंच पर मार्क देना है लगभग। ये नेक से पूरा स्लीव से लेकर वापस नेक तक ये सारा 3 इंच पर मार्क करेंगे हम। लगभग 0.75 इंच की एक एक स्ट्रिप की गैप रहेगी। तो ये इस तरह से ये पूरा हिस्सा मार्क देना है। मार्क देने के बाद ये इस तरह से रहेगा हमारा। और अभी ये स्ट्रिप लेनी है बायस की, 3 इंच की विथ इसकी है, और इसको फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड एक साइड में यहाँ से स्ट्रेट किया और डबल फोल्ड करके यहाँ पर प्लेस करेंगे। जो हमने मार्क दिया है वो एंड का मार्क है यहाँ, यानी कि हमारी जो स्ट्रिप का एंड है वो पॉइंट इस तरह से आना चाहिए। तो हम जब इसे अटैच करेंगे तो इस मार्क के सहारे आगे से आगे अटैच करते हुए जाएंगे, जिससे हमारी स्ट्रिप है जो ऊपर के हिस्से से सही अटैच हो। यहाँ पर आगे जहाँ हम शुरू हुए थे, बैक साइड के पोर्शन से हम लोग शुरू हुए हैं, तो यहाँ जो हमने आगे स्ट्रिप में थोड़ा हिस्सा छोड़ा था उसको इसके अंदर डाल देना है। जो बायस की स्ट्रिप है उसको एक्स्ट्रा लेंगे अभी और उसे फोल्ड करेंगे यहाँ से। और ये जो स्ट्रिप का हिस्सा हमने आगे छोड़ा है काफ़ी, इसको अंदर डाल देना है, और ये एग्जैक्ट इसके अंदर पूरी तरह से आ जाना चाहिए, तभी ये यहाँ पर अच्छे से फिट हो जाएगी। और अगर आप चाहें तो इसको पहले जॉइंट भी कर सकते हैं स्टिच लेकर, उसके बाद में यहाँ पर फिनिशिंग कीजिए इसका एंड पार्ट का। ये स्टिच हमें ऊपर ऊपर के हिस्से में ही लेनी है इस स्ट्रिप के। अभी दूसरी लेयर आएगी रेप की पट्टी की, और यहाँ पर भी शुरू में आगे कुछ हिस्सा छोड़ देंगे और इस तरह से अटैच करनी है कि जो पहले की स्ट्रिप है वो आधी इसे कवर करे, ताकि ये स्टिच जो हमने की है ऊपर से वो दिखे नहीं, ये हिस्सा इसको कवर कर दे पूरी तरह से। तो अभी नीचे की जो लेयर है बायस की वो इसके ऊपर रहेगी और इसकी जो सिलाई का हिस्सा है वो दिखेगा नहीं। ऐसे ही करते करते हम 3 लेयर बनाएंगे। ये हो गया। अभी एक लेयर आएगी एग्जैक्ट नेक के हिस्से में। ये नेक का किनारा है, उसके ऊपर आया है। अभी देखिए ये थोड़ा लूज लूज लग रहा है, पर हम इसे आयरन करेंगे अच्छे से तो ये पूरा सेट हो जाएगा। हमें सही से आयरन करने की ज़रूरत रहेगी। तो ये इसकी सिलाई का जो हिस्सा है वो नीचे दब जाता है। अभी ऊपर का जो नेक का हिस्सा है इसकी फिनिशिंग करनी है रेप की पट्टी से ही, और जैसे हम ब्लाउज़ में करते हैं वैसे ही यहाँ पर फोल्ड करके रेप की पट्टी यहाँ पर प्लेस करेंगे और पूरे नेक में ये स्टिच देनी है। ये पूरे नेक में स्टिच हो जाने के बाद एक्स्ट्रा जो सिम अलाउंस है इसका नेक के हिस्से का, उसे ट्रिम कर देना है और कुछ नोचेस और कट देकर। ये देखिए पूरी हो गई है स्टिच। एक्स्ट्रा सिम अलाउंस यहाँ पर कट कर देना है। ये कट करने के बाद जो पट्टी है यहाँ पर इस तरह से ऐसे यहाँ इसके ऊपर ओपन करके यहाँ पर स्टिच लेंगे, फिर इसे पूरा रॉन्ग साइड में मोड़कर तुरपाई करेंगे इसके इस तरह। तो ये आगे का जो हिस्सा रहेगा वो इस तरह से हमारी पट्टी रहेगी। उसके बाद नीचे का जो हिस्सा है उसकी इस तरह से फिनिशिंग करनी है, जैसे हम ब्लाउज़ में करते हैं नॉर्मली वैसे ही। तो यहाँ हमारा नेक और
नीचे का जो हिस्सा है वो फिनिशिंग का हो गया है। अभी बारी है कि अब हम ये जो दुपट्टा है वो कैसे अटैच करेंगे। तो इसके लिए दुपट्टा आपको चेक करना है कि आपका आगे का पोर्शन कितना लंबा रहेगा। मेरा यहाँ पर 33 इंच है, यानी कि शोल्डर से लेकर कमर तक जहाँ पर झोल आती है वहाँ तक ये कितना रहेगा। तो मैं यहाँ पर 33-34 इंच तक इसको लेने वाली हूँ एक साइड में, ये देखिए। और फिर बाकी का हिस्सा हम पीछे की ओर छोड़ देंगे। तो यहाँ जितना शोल्डर है हमारा, उतनी हम इस दुपट्टे की विथ को उतना लाना है। और उतना कैसे लाएंगे, इस तरह से पहली पट्टी इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके बाद में इसके ऊपर ऊपर हम ये प्लीट्स लेते हुए इसके ऊपर ऊपर हम जमाएंगे और आगे से आगे पिन अप करना है। ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक हमारा ये दुपट्टा की विथ शोल्डर की विथ की साइज़ के अकॉर्डिंग ना हो जाए। शोल्डर से थोड़ा ज़्यादा भी हो चलेगा पर कम नहीं हो। काफ़ी सारे ये लेयर हो जाने के बाद आप चेक कीजिए कि ये कितना आ रहा है, आपकी शोल्डर के अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं। शोल्डर पे जितना आ रहा है उतना आपको चेक करना है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे की साइड में जो प्लीट्स दिख रही है उतनी ही आनी चाहिए, उसे ज़्यादा फोल्ड मत कीजिए, फिर वो अच्छी लुकिंग नहीं आएगी। इतना ही, जिसे आप देख सकते हैं कि इसकी विथ लगभग 1 इंच की है इस प्लीट्स की। तो इस 1 इंच के अंदर अंदर हमें ये फैब्रिक को फोल्ड करते हुए जाना है। छोटी छोटी प्लेट्स आएंगी और उसके बाद में एंड की जो पट्टी है उसको पहले यहाँ से फोल्ड करते हैं, फिर बराबर ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर प्लेस करते हैं ताकि ये फिनिशिंग से आएगा। अभी आप ये अपने शोल्डर पे डाल के देखिए कि आपके ब्लाउज़ के ऊपर कि ये बराबर है या नहीं। एक साइड में ये हो गया, अभी दूसरी साइड में इसका थोड़ा सा गैप से हम सेम प्लेट्स को एक पिन अप कर देते हैं यहाँ इस तरह से। तो ये हमारा शोल्डर का भाग हो गया। अभी उसके बाद में रहेगा यहाँ नीचे कमर का जो हिस्सा है वहाँ पर प्लेट्स से अटैच करेंगे। ऊपर से एक एक प्लेट्स को इसी डायरेक्शन में आपको पकड़ना है और आगे से आगे इन प्लेट्स को जमाते हुए हमें पिन अप करना है। शोल्डर पे जो प्लेट्स हैं उन्हीं को आगे से उसी डायरेक्शन में पकड़ना है और पिन अप करना है। इस तरह से ये कमर के हिस्से की भी प्लेट्स हो गई हैं। अभी इस शोल्डर के हिस्से में हम कुछ पेच अटैच करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं सुई और धागे के हेल्प से इन पेच को अटैच कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे ग्लू से पहले चिपका सकते हैं इन पेच को, या फिर ऐसे ही सुई और धागे से भी अटैच कर सकते हैं। तो ये यहाँ किनारों किनारों पर हमें ये सारी स्टिच लेनी है। तो ये सेट हो जाएंगे यहाँ। मैं यहाँ पर 5 पेच है वो अटैच करने वाली हूँ। आप अलग अलग डिज़ाइन से ले सकते हैं। इन्हें अटैच करने के बाद जो हमारी प्लीट्स हैं वो भी एक दूसरे से अटैच हो जाएगी, क्योंकि हम इसे सुई और धागे से पक्का कर रहे हैं। तो ये सारी अटैच होने के बाद आप चाहें तो इन पिन्स को रिमूव कर दीजिए, तो ये कहीं नहीं जाएगी, प्लीट्स एग्जैक्ट वहीं रहेगी। देखिए मेरे पेच अटैच हो चुके हैं और यहाँ इस तरह से, और पिंस भी मैं हटा चुकी हूँ।
अभी देखिए आगे का हिस्सा इतना रहेगा और बाकी के पेच पीछे रहेंगे। अभी यहाँ का जो हिस्सा है वो हम कमर का हिस्सा वो बाद में अटैच करेंगे। पहले एक साइड में आएगी हमारी इनविजिबल जिप। इनविजिबल जिप कैसे अटैच करते हैं उसका ट्यूटोरियल ऑलरेडी है, तो यहाँ पर हम कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे। हाँ, आप जब इनविजिबल जिप अटैच करते हैं तो ये ध्यान रखिए जो भी आपकी फिटिंग की साइज़ है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए। उसके बाद में इसमें ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं हो सकते हैं क्योंकि एक साइड में ही फिटिंग का ऑप्शन रहेगा, या फिर आपको ये पूरा खोल के आपको सही करना पड़ेगा इनविजिबल जिप का हिस्सा। तो यहाँ से हम एक साइड में करते हैं इनविजिबल जिप अटैच। तो ये हो चुकी है हमारी जिप अटैच और फिटिंग एक साइड में, और दूसरी साइड में भी नॉर्मल जैसे फिटिंग की स्टिच लेते हैं वैसे ही लेनी है। तो ये हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी है। अभी दुपट्टा अटैच करना है। शोल्डर पे आप चाहें तो यहाँ पर इसे अटैच कर सकते हैं या खुला छोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है जो हमारा शोल्डर है यहाँ पर। और कमर के हिस्से पर हम इसे अटैच करेंगे। तो इसके लिए आपको जो ब्लाउज़ है उसको अंदर से सही से पकड़ते हुए, सही सेट करते हुए आपको कमर पे इसे सुई और धागे से एक एक जो प्लीट है उसी के पास पास एक छोटी छोटी स्टिच लेनी है ताकि ये यहाँ पर अटैच हो जाए। जैसे बड़ी साइज़ में ब्लाउज़ में जो उभार होता है वो ज़्यादा होता है, तो आपको अंदर से सही से ब्लाउज़ को पकड़ना होगा। ऐसा नहीं कि आप जब यहाँ पर अटैच करें इसे तो ब्लाउज़ तो बराबर रहे पर ये जो दुपट्टा है वो साइज़ में कम हो जाए, लेंथ में कम हो जाए। इसके लिए ज़रूरी है अंदर से आप ब्लाउज़ को सही से पकड़िए। और ये मेरा यहाँ पर पूरा अटैच हो चुका है कमर से दुपट्टा। अंदर से हाथ डालने का मतलब ये इस तरह से है। और ये देखिए शोल्डर पर ये मैंने खुला छोड़ा है, तो ये यहाँ पर अटैच हो गया। आगे का जो पार्ट है इसे हम लोग इस तरह से थोड़ा ट्रिम करेंगे। ये हिस्सा हमारा जॉइंट होगा बैक साइड का जो दुपट्टा है उससे, ये वाला हिस्सा पूरा। तो हमने इस तरह से शेप में से कट किया है, तो इसे बैक साइड में देखिए ये टर्न किया है, ये बैक साइड है हमारा ब्लाउज़ का और दुपट्टे का। तो ये हमारा नॉर्मल दुपट्टा है, यहाँ से हम इसे कट देंगे। आधा जो दुपट्टा है यानी दुपट्टे की जो विथ है वो आधी विथ आधी से थोड़ी कम हम अटैच करेंगे आगे के दुपट्टे में। जो हमने शेप दिया है वो वाला ये जाएगा आगे के दुपट्टे में अटैच होगा, और आधे से ज़्यादा जो विथ है वो खुली रहेगी, ये विथ खुली रहेगी और ये वाली विथ अटैच होगी हमारे आगे के दुपट्टे में जो हमारे साइड के पोर्शन में हैंग होती है वो। तो ये हमारा आगे का दुपट्टा है और ये पीछे का इतना हिस्सा हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो इतना सा हिस्सा और आगे की विथ तो काफ़ी ज़्यादा है, तो आगे की जो ये प्लीट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इसे अटैच करेंगे, तब यहाँ पर दुपट्टे में प्लीट्स आएंगे। ये हमारा आगे का और ये पीछे का पोर्शन, और जब स्टिच लेंगे तो इस तरह से प्लीट्स लेते हुए स्टिच लेनी है। ये बैक साइड का ऊपर का जो हिस्सा है वो फ्रंट साइड का पार्ट है, और फ्रंट में आप देखिए ब्लाउज़ में कमर की जो ये प्लीट्स हैं उन्हीं के शेप के डायरेक्शन में ही आपको ये प्लीट्स लेनी है। यहाँ पहली जो प्लीट्स है इस तरह से फोल्ड की हुई है, तो हम इसे भी फोल्ड करते हैं ऐसे और यहाँ पर प्लेस करेंगे। फिर इसके बाद में जो हमारा कमर का हिस्सा है उसमें प्लीट्स कैसे कैसे आई हुई है उसी के डायरेक्शन में हम इन्हें स्टिच लेते हुए जाएंगे। बैक साइड का जो हिस्सा है दुपट्टे का वो काफ़ी कम है जो हमें अटैच करना है ये फ्रंट के
दुपट्टे में। तो ये फ्रंट का दुपट्टा तो सारी प्लेट्स आई है, तो यहाँ पर ही इतना ही अटैच होगा, और एक्स्ट्रा जो सिलाई का मार्जिन है उसे ट्रिम कर देना है। तो इस तरह से इसका जो सिलाई का मार्जिन ज़्यादा दिखेगा नहीं और साइड में रहेगा, और फ्रंट और बैक दोनों दुपट्टे एक साइड एक साथ जुड़ जाएंगे इस तरह, और बाकी का जो दुपट्टा है वो पीछे हैंग होगा। पीछे की पोर्शन में आधा हिस्सा ये खुला रहेगा, आधे से ज़्यादा, और आधा यहाँ पर, आधा हिस्सा ये आगे के पोर्शन से अटैच हो गया है, और पीछे का आधे से ज़्यादा दुपट्टे का जो हिस्सा है वो खुला रहेगा। ये देखिए साइड में जो हमारा जॉइंट हुआ है दुपट्टा, इस तरह से यहाँ पर ये दुपट्टा मेरा नेट का है, तो यहाँ पर थोड़ा साइड में थोड़ा प्लफी प्लफी रहेगा। अगर आप ऐसा दुपट्टा लेते हैं जिसकी फॉल अच्छी रहती है, जैसे जो जो चिनॉन जिनकी फॉल अच्छी रहती है तो वो लेते हैं, तो ये ज़्यादा इस तरह से प्लफी नहीं रहेगा, और पहनने के बाद ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे और वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।